सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिनांक 2 अक्टूबर 2023 से 15वें वित्त आयोग से जो भी आप क्रय करेंगे, यानी 15वें वित्त आयोग के जो भी विकास कार्य को आप करवाएंगे और उससे संबंधित जो मटेरियल और सामग्री आप क्रय करते हैं, उसका भुगतान जैम पोर्टल के माध्यम से ही किया जाना है। और यह आपके जो जैम पोर्टल है, यह त्रिस्तरीय पंचायतों यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत तीनों पर लागू होगा। तो आपको, जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि 2 अक्टूबर से पहले पहले आपको ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों को जैम पोर्टल पर अब आपको ऑनबोर्ड करना है। देखिए, यहाँ पर मैं एक शुरुआत में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको, अगर ग्राम पंचायत लेवल पर बात किया जाए या फिर आप क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत लेवल पर, तो सबसे पहले तो आपको गवर्नमेंट ईमेल की ज़रूरत पड़ती है। जो गवर्नमेंट ईमेल आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं, वो आपको शेयर कर दिया गया था, तो आपके पास होंगे वो। उसमें पासवर्ड भी आपका पहले से ही बना के आपको दिया गया है। साथ ही आपको आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर चाहिए। अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको लिंक करवाना पड़ेगा। बिना लिंक के आप आगे फॉरवर्ड इसमें नहीं बढ़ सकते। अगर आप क्या करते हैं, कई बार रजिस्ट्रेशन करते टाइम हो सकता है कि आपका जो मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं वो एरर देता है कि मोबाइल ऑथेंटिकेशन फेल्ड या ऐसा कुछ एरर देता है। तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या आपका मोबाइल नंबर जो है वो आधार से लिंक है नहीं, दोनों आपका प्राइमरी यूजर और सेकेंडरी यूजर दोनों में। अब मैं बता देता हूँ प्राइमरी यूजर यहाँ पर कौन रहेगा। प्राइमरी यूजर ग्राम पंचायत के केस में प्रधान जी रहेंगे। वैसे अगर क्षेत्र पंचायत की बात करें तो क्षेत्र पंचायत में प्राइमरी यूजर BDO सर रहेंगे। वैसे ही आपका जिला पंचायत की बात करें तो जिला पंचायत में आपके प्राइमरी यूजर रहेंगे अध्यक्ष जी। ग्राम पंचायत की बात करें, अगर सेकेंडरी यूजर की बात करें, ग्राम पंचायत लेवल पर BDO सर लोग रहेंगे। अगर हम बात करें आपका क्षेत्र पंचायत स्तर पर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर BDO सर और जिला पंचायत लेवल पे आपके AMA सर सेकेंडरी यूजर रहेंगे। इसमें देखिए, प्राइमरी यूजर का कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं है, जो सेकेंडरी यूजर है उसका ही रोल रहेगा। क्योंकि सेकेंडरी यूजर ने ही आपको आपको सामान को क्रय करना है, बिल जनरेट करना है, और बाकी जो भुगतान की कार्रवाई है वो प्राइमरी यूजर के ID से ही होना है आपका। तो जैसा कि आपको ग्राम स्वराज में पता है, चेकर और मेकर रहते हैं। चेकर और प्रधान जी ग्राम पंचायत के इसमें, जैसा आपको पता रहता है, त्रिस्तरीय पंचायत में आपको पहले से पता है। प्राइमरी यूजर आप लोग पता है, जो कार्मिक होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, वो आपके प्राइमरी यूजर, आपके सेकेंडरी यूजर रहते हैं। यहाँ पर आपका वही चीज़ है। प्राइमरी यूजर यहाँ पर कौन होंगे, यहाँ प्राइमरी यूजर यहाँ पर आपके निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे, और वहाँ पर आपके जो सेकेंडरी यूजर होंगे वो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें प्राइमरी यूजर को रजिस्टर करना है, और सेकेंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमें सेकेंडरी यूजर को रजिस्टर करना है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइमरी यूजर को किस तरह से हमें रजिस्टर करना है। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउजर में, या क्रोम में करें, आप किसी ब्राउजर में करें, तो उसमें आपको सर्च करना है जैम। आप जैसे जैम सर्च करेंगे तो आपके सामने आएगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम का एक पोर्टल खुल जाएगा। इसको आपको सिंपली क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। और देन यहाँ पर आपको आपको एज ए बायर पहले प्राइमरी यूजर को रजिस्टर करना है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, बायर और एक सेलर सेलर होते हैं। सेलर वो होते हैं जो आपके प्रोडक्ट आपको डिलीवर करते हैं, वो आपके सेलर हो गए, और बायर हो गए आपके, आप खुद जो जो आप सामान को क्रय करेंगे। जैसे आप पोर्टल को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको साइनअप पर जाना है, और बायर बायर ऑर्गेनाइजेशन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप बायर ऑर्गेनाइजेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा। उसमें जो आपका यूजर टाइप है वो आप सिंपली प्राइमरी यूजर HOD सेलेक्ट करेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें कह रहा है, ये आपको कौन कौन सी चीज़ चाहिए आपको प्राइमरी यूजर बनाने के लिए। आधार नंबर, आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर और गवर्नमेंट ईमेल ID। गवर्नमेंट ईमेल ID आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से उस गवर्नमेंट ईमेल को हमको लॉगिन करना है। तो ये तीनों टिक करने के बाद आपको प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद ये आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन खुलेगा, उसे एक्सेप्ट करके आपको प्रोसीड कर लेना है। देन अगर आप आगे जाते हैं, ये जो आपका पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, ये आपका बिल्कुल सही भरना है। अगर यहाँ पर आपने गलती कर दी तो आपका जैम में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो इस स्टेप को बिल्कुल गलत मत कीजिएगा। यहाँ पर चलिए मैं बात करता हूँ। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन टाइप स्टेट ऑटोनोमस। यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, उत्तराखंड। डिपार्टमेंट देखिए, यहाँ पर आप जब पंचायती राज करेंगे तो डिपार्टमेंट दो आते हैं, एक डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज आएगा, एक पंचायती राज डिपार्टमेंट उत्तराखंड आएगा। आपको सेलेक्ट करना है डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज, और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो भी आपका जिला पंचायत है, जो भी आपका जिला है उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जब ऑफिस जोन में जब आप नाम रखेंगे तो आप कुछ इस तरह से यूनिक नाम रखिएगा। जैसे मैं एक GP का कर रहा हूँ तो मैं कुछ इस तरह से रख रहा हूँ। ये जो आपका ऑफिस जोन नेम है ये यूनिक होना चाहिए।
तो कुछ इस तरह से आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर जीपी का मतलब ग्राम पंचायत, फिर ग्राम पंचायत का नाम, वीके का मतलब विकास खंड, उसके बाद आपका विकास खंड का नाम आ जाएगा, ब्लॉक का नाम आ जाएगा। ये देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन डिटेल है ये बिल्कुल गलत मत भरिएगा, ये अगर थोड़ी भी गलती हो गई तो रजिस्ट्रेशन आपका फेल हो जाएगा। तो ये आप बिल्कुल सही भरिएगा, इसीलिए पूरा वीडियो एक बार देख लीजिए थ्रोली, ऐसा नहीं कि आप स्किप करके देख रहे हैं फिर बाद में कोई गलती हो गई तो फिर इसको रिवर्ट कर पाना बहुत टफ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे आप। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर क्योंकि अभी प्राइमरी यूजर का हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रधान जी का आधार नंबर और उससे जो आपका लिंक मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको इसमें ओटीपी मंगाना है, ओटीपी आने के बाद इसको वेरीफाई करना है। चलिए मैं इसमें आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी गेट करता हूँ। तो इसमें आप आधार नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर लिंक भी आधार करेंगे, और वेरीफाई आधार जब आप क्लिक करते हैं तो अगर आपका मोबाइल नंबर बिल्कुल सही है तो अगले पेज में आपके सामने ओटीपी आएगा। तो इसमें आपका 10 मिनट का आपको टाइमर मिलता है और इसमें आपको ओटीपी फिल करना पड़ेगा, जो आधार बेस्ड जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, उसके आपको इसमें फिल करना है। जैसे ही आप आधार को वेरीफाई करेंगे तो आपका जो आधार में नाम है वो नाम आपका यहाँ पर शो हो जाएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद ये जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है और जो आपका ईमेल आईडी मिला हुआ है वो डालना है। देखिए प्राइमरी यूजर का जो ईमेल आईडी है वो आपको पहले प्रोवाइड करा दिया गया है, इसके साथ ही मेरा जो आपका सेकेंडरी यूजर है उसका भी ईमेल आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। जो प्राइमरी यूजर का जो ईमेल आईडी है वो CSK से स्टार्ट होता है, वैसे ही आपका जो सेकेंडरी यूजर होगा उसका जो ईमेल स्टार्ट होगा वो GP करके स्टार्ट है। साथ ही उस ईमेल का आईडी और पासवर्ड आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया गया है। देखिए जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है यानी कि वो जो जो .gov वाली ईमेल आईडी है उसे आप ओपन करेंगे परिचय ऐप में, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे उसको ओपन करना है। आप सिंपली सर्च करेंगे परिचय, तो परिचय में जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने परिचय.nic.in जो NSA की एक सर्विस है वो आपको ओपन हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको उस ग्राम पंचायत का जो ईमेल है उसे एंटर करना है और उसका जो पासवर्ड आपको दिया गया है वो इसमें एंटर कर लेना है। चलिए मैं उसको एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद आपको इसको नेक्स्ट कर लेना है और जो नंबर उस ईमेल में दिया गया है उस नंबर पर जो है आपका वो ओटीपी चला जाएगा, तो आपको ओटीपी मंगा लेना है, जैसे आप उसमें टिक करेंगे और आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद जो है वो इस नंबर पर जो भी नंबर रजिस्टर्ड होगा उस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको इसमें एंटर कर लेना है। जैसे ही आप इसमें ओटीपी डालेंगे आपको नेक्स्ट कर लेना है, और अगर आप ओटीपी सही डालते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का आपके सामने ईमेल खुलेगा। और इसमें आपका ये तो आपका NSA की सर्विसेज हैं, डायरेक्ट ही आपका ईमेल नहीं खुलता, तो इसमें आपको सर्च बार में ईमेल करके सर्च करना है, और इसमें आपको email.gov.in ये आपको खुलेगा। देखिए बहुत सारे ग्राम पंचायत में या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत की अगर बात करें तो एक इश्यू ये हो सकता है कि जो आपका ईमेल पहले से बनाया गया है उसमें मोबाइल नंबर जो है वो गलत फीड हो सकता है, तो आपका ओटीपी नहीं आएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपका आधार बेस वाला ही आपका मोबाइल नंबर, ऐसा नहीं हो सकता, ये मोबाइल नंबर आपका एकदम सुरक्षित से ही उठाए गए हैं, तो हो सकता है कहीं मिसमैच में नंबर में मिसमैच हो गया हो तो ओटीपी नहीं आएगा। तो उस केस में अभी आपको वेट करना पड़ेगा, उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि उसमें आपका जो ईमेल है उसमें मोबाइल नंबर गलत फीड किया गया, तो उसे क्योंकि अभी अपडेट का काम चल रहा है तो उसमें जल्दी ही उसमें मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप ओटीपी आप उसको सर्च किया अपने ईमेल को और उसके बाद आप क्लिक करेंगे, क्लिक टू एक्सेस करना आपको, तो अगले पेज में आपका ईमेल खुल जाएगा। देखिए ये ईमेल और जो आपका जीमेल वाला ईमेल है उसमें आप डिफरेंस कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग ईमेल हैं। कई बार मैं ईमेल कहता हूँ तो उसको जीमेल समझ लेते हैं, वो चीज़ अलग है। जो जैम के लिए आपकी ईमेल बनाई गई है वो अलग है, वो आपकी गवर्नमेंट वाली ईमेल है, उसको आप यूज़ करेंगे। तो जैसे आपको क्या करना है, अब आपको ईमेल वेरिफिकेशन करना है, तो मैंने इसलिए आपको बताया था कि परिचय ऐप में आप जो चेकर का यानी कि जो प्राइमरी यूजर है प्रधान जी का, वो आप ईमेल लॉगिन कर लेंगे। ईमेल में भी उनके फ़ोन में ओटीपी जाता है, प्रधान जी के नंबर पे ही ओटीपी जाता है। ओटीपी लेने के बाद आप इसको लॉगिन करके ईमेल सर्च करके ईमेल खोल लेना है। अब यहाँ पर जो आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो आप जो प्राइमरी यूजर है उसका डालेंगे, तो CSK से स्टार्ट होता है वो, तो इसको आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तो इसको मैनुअली आपको टाइप करना पड़ेगा। तो इसमें आप सेंड ओटीपी करेंगे और आपका जो ये ईमेल है यानी कि जो आपका ईमेल खुला हुआ है इसमें आपका एक ओटीपी जाएगा। देखिए इसमें आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका ईमेल में जो ओटीपी जाता है वो थोड़ा डिले जाता है,
इतनी जल्दी आपका ओटीपी नहीं जाएगा, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, 10 या 15 मिनट में आ ही जाता है ओटीपी, तो ओटीपी का आप वेट करिए। तो कुछ इस तरह से आपके सामने एक ओटीपी आएगा, ईमेल का ओटीपी, इसको आपको इसमें फीड कर लेना है। यहाँ पर आपका 305, तो ये आपका ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई कर लेना है। अगर आप ओटीपी सही डालते हैं तो यहाँ पर आपका जो ईमेल है वो आपका वेरीफाई हो चुका है। इसको आपको सिंपली आप नेक्स्ट कर लेना है, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो आपका यूज़र आईडी है वो आपका चेकर वाला, जो ई ग्राम स्वराज का चेकर वाला आईडी है, उसे आप यहाँ पर फिट करेंगे और पासवर्ड आप अपने हिसाब से बना लेंगे, और फिर आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर जो आपका यूज़र आईडी है वो बिल्कुल सही यूज़ करें, गलत यूज़ ना करें। यहाँ पर कौन सी आएगी, प्राइमरी यूज़र जब भी आप बनाएंगे तो यहाँ पर यूज़र आईडी ई ग्राम स्वराज की जो चेकर आईडी है उसे आप यहाँ पर डालेंगे। आप जैसे यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड आप क्रिएट खुद से कर लें, या तो यहाँ पर ई ग्राम स्वराज का जो पासवर्ड है उसे आप इसमें डाल के आप यूज़र आईडी और पासवर्ड बना लेंगे प्राइमरी यूज़र के लिए। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका मैसेज जो है वो पॉपअप होगा, यूज़र क्रिएटेड एंड मेल सेंड करके इस हिसाब से कुछ आता है। तो आपके ईमेल पर एक ईमेल आ जाता है कि आपका जो प्राइमरी यूज़र है वो बन चुका है। तो यहाँ पर आपका स्टेप खत्म नहीं होता, यहाँ पर आपका वो नहीं होता, इसको आई कंफर्म करके आपको इसको कंफर्म कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पर आपका जो आपका प्राइमरी यूज़र है उसका नाम आ रहा है, इसके माई अकाउंट पर आपको क्लिक कर लेना है। माई अकाउंट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होता है, स्टार्ट हियर करने के बाद यहाँ पर पिन कोड और ये सब चीज़ें डालकर आपको आपको सेव कर लेना होता है। यहाँ पर जो वेबसाइट का यूआरएल है वो चाहे तो आप, आपका अगर कोई वेबसाइट है पंचायत का तो वो डाल सकते हैं आप, अगर नहीं है तो स्टेट का कोई, अगर आपका पंचायत राज का कोई आपका वेबसाइट है तो उसका भी आप लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए जैसे यहाँ पर अभी मैं इसको डेटा एक बार फिल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। डिटेल फिल करने के बाद आपको सिंपली इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका जो पेमेंट मेथड है उसको आपको ई ग्राम स्वराज टिक कर लेना है। अगर आप किसी और तरीके से करते हैं, आप गलत करते हैं अगर रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर ये ई ग्राम स्वराज नहीं आएगा, तो ये गलती मत करिएगा। फिर इसको रिवर्ट कर पाना बहुत टफ होता है। तो शुरुआत में ही जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, जो ऑर्गेनाइजेशन डिटेल था वो बिल्कुल सही फिल करिएगा, गलत फिल करने पर ये ई ग्राम स्वराज नहीं आता है और इसको रिवर्ट करना भी टफ हो जाता है। इसको सिंपली आपको सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद यहाँ पर आपका जो है वो डिटेल आ जाएगा यहाँ पर। तो इसके बाद आपका आपका पैन है, पैन डिटेल आप इसमें फिल करेंगे, पैन डिटेल है आपका तो वो इसके लिए फिल करेंगे। तो फिल करने के बाद यहाँ पर आपका रजिस्टर के लिए, अगर आप जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड हैं तो यस, ये अगर नहीं है तो नो करने के बाद, इसको टिक करने के बाद आपको इसको सेव कर लेना है। जैसे ही इसको आप सेव करेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली इस टाइप का आएगा आपके सामने। और उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका, कि आपको जो एलजीडी कोड है ग्राम पंचायत का वो यहाँ पर डालना है। बहुत सारे आपके एलजीडी कोड आएंगे, तो यहाँ पर जो आपका एलजीडी कोड है वो आपको बिल्कुल सही डालना है। अगर आप गलत डालते हैं तो ये भी आपका कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्रेशन है वो फेल हो जाएगा, और किसी और ग्राम पंचायत की जो आपकी आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि आप जैम पोर्टल को यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर आप इसमें गलत एलजीडी कोड डालते हैं। यहाँ पर आप एलजीडी कोड डालने के बाद इसको सेव कर लेंगे। हाँ, तो सेव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका एक वेरीफाई अथॉरिटी का ईमेल आएगा आपके सामने, ये ऑटोमेटिक आता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपका जो भी ईमेल है वेरीफाइंग अथॉरिटी का, उसके पास एक लिंक जाएगा, वो उसे अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद क्या हो जाएगा कि आपका जो प्राइमरी यूजर है वो क्रिएट हो जाएगा। ये ईमेल आपका 10 से 15 मिनट में, अब इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है, हो सकता है आपका बहुत जल्दी चला जाए या थोड़ा, तो इसमें आपको वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये लास्ट स्टेप है। जैसे ही वहां पर आपका आपका ईमेल चला जाएगा वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास, तो वहां पर वो अप्रूव करेंगे और उसके बाद आपका जो प्राइमरी यूजर है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी यूजर आपको कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद हम देखेंगे कि सेकेंडरी यूजर जो है उसको कैसे हम क्रिएट करेंगे, वो सब भी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। इसके बाद सेकेंड वीडियो, जैसे ही आपका ये अप्रूव हो जाएगा उसके बाद हम सेकेंड वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से आपको सेकेंडरी यूजर को रजिस्टर करना है।